चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। आज हम प्रोग्राम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने, किसी नंबर का स्क्वायर निकाले। तो मान लो कोई नंबर है जो एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, हमको एक ऐसा प्रोग्राम करना है, बनाना है असेंबली लैंग्वेज में जो उसका स्क्वायर करे। इसके लिए हम नॉर्मली जुबिन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो है, और जुबिन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जावा रन टाइम एनवायरमेंट चाहिए, ये आपको ही पता है। अब जावा रन टाइम एनवायरमेंट के लिए जैसे हमने फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट को आप देखिए, पहले स्टार्ट करा, जो नंबर जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है उसको 3000 पे स्टोर कर दिया। अब बात ये होती है जब कोई स्टोर करती हूँ मेमोरी में तो इनिशियलाइज करना पड़ता है मेमोरी पॉइंटर को। मेमोरी में अगर कोई नंबर स्टोर है तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा मेमोरी पॉइंटर को, तो 3000 से अपन ने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और उसी नंबर को हम रजिस्टर बी में भी कॉपी कर देंगे जो हम एक्यूमुलेटर में लेके आए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब क्या है, उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर एक नया रजिस्टर लिया हमने काउंटर सी पर, इसकी वैल्यू एक कम रखेंगे, एक कम, ठीक है। अब आप क्या करो, ए और बी को ऐड कर दो, और ये एडिशन कितनी बार चलेगा, जैसे 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 को 8 बार जोड़ लो, आप 8 को 8 बार जोड़ लो, तो काउंटर अपन ने ऐसा रखा था 7 बार काउंटर रखा है जिससे कि 8 8 बार जुड़ जाए, और काउंटर को डिक्रीज करते जाएंगे और बार बार ऐड करते जाएंगे जिससे कि हमारा जो आंसर आएगा फाइनल वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, और उसको स्टोर कर देंगे 3002 पे। देखिए आप, ये आपका प्रोग्राम है जिसको मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए ढंग से। एलेक्साई एच 3000, ठीक है। एम बी आई बी 00, एम बी आई सी नॉर्मली कितना है, एम बी आई सी कितना है आपका 00, ठीक है। अब हमने क्या करा, मूव ए कोमा एम, जो मेमोरी का डाटा है वो ए में लिया है, मूव बी कोमा ए, उसकी वैल्यू हम बी में भी ले गए, ठीक है। काउंटर को आप क्या करोगे, काउंटर में एम बी आई मूव, मूव क्या करा अपन ने, जो डेटा है उसको सी में भी ले गए, क्योंकि उतनी बार ही आपको ऐड करना है, उतनी बार ही आपको ऐड करना है, ठीक है। अब ढंग से देखिए आप, या तो आप एक काम करिए, हाँ ठीक है, अब आप क्या करिए, डी सी आर सी एक बार काउंटर को घटा दीजिए। अब एड एम, एड बी कर दो आप, एड बी कर दो, और एक मिनट होल्ड डाउन करिए, मैं आपको कुछ बताता हूं यहां पे अपन क्या कर रहे हैं। इधर मैंने इसको असेंबल कर दिया, असेंबल करने के बाद 3000 पे डेटा दे दिया मैंने दो, देखिए आप 3000 पे डेटा दे दिया मैंने दो, अब एग्जीक्यूट करा मैंने, एच एन में 3000 आ गया, बी में 0 है, सी में 0 है, मेमोरी का डाटा ए में ले आया, मतलब जो नंबर था मेरा वो ए में आ गया, इसी डाटा को मैं बी में ले गया, इसी डाटा को मैं सी में ले गया, काउंटर मेरा सी हो गया। अब मैंने डी सी आर सी कर दिया, काउंटर को एक से घटा दिया, ठीक है। ए डी सी बी कर रहा हूँ, ए डी सी बी मतलब ए और बी को जोड़ रहा हूँ कैरी के साथ, पर कैरी 0 है तो ए डी सी हो गया 4, ठीक है। जी एन जेड लूप, क्योंकि मेरा काउंटर 0 नहीं हुआ, ये हो गया 6, ठीक है। तो आपने क्या देखा है, यहाँ पे प्रोग्राम को देखिए, अब जरा प्रोग्राम को दोबारा देखते हैं फ्लो चार्ट में।
फ्लो चार्ट में ये कह रहा है कि आपने पहले मेमोरी को इनिशियलाइज कर लिया, उस डेटा को आप जो है वो मेमोरी में ले गए और आपने फिर मेमोरी को इनिशियलाइज कर दिया, मेमोरी को एक्यूमुलेटर में ले गए, फिर एक्यूमुलेटर को बी में ले गए, एक्यूमुलेटर को सी में ले गए, काउंटर को एक से घटा दिया, फिर ए और बी को ऐड करोगे कितनी बार, जितने काउंटर है, जितनी बार काउंटर है उतनी बार ए और बी को ऐड करोगे आप, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के लॉजिक ये था कि दो का स्क्वायर निकालना है तो दो को पहले एक्यूमुलेटर में ले लो, उसी को बी में ले लो, उतनी वैल्यू का काउंटर कर दो और ऐड करते जाओ जब तक काउंटर जीरो नहीं हो जाए, ये लॉजिक आपका था। ठीक है, अगला जो प्रोग्राम है वो आपका ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए आपका जो अगला प्रोग्राम है वो ये है, दो नंबरों का मल्टीप्लाई करना है। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने का आपका प्रोग्राम क्या है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूं। पहला नंबर आप एक्यूमुलेट मेमोरी में ले लो, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में ले आओ, ठीक है भाई, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है ना आपको, तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है तो पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में ले लो, मेमोरी में ले लो, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में ले आओ, और दूसरा नंबर जो है उसको आप मेमोरी से बी में ले आओ, ठीक है। तो पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में आ गया, दूसरा नंबर बी में आ गया। अब आप क्या करो, मैं बता रहा हूं, उसी की कॉपी सी में ले लो, आप उसी की कॉपी सी में ले लो, मतलब वो काउंटर हो गया। अब ये आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी को जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे, इतनी बार जोड़ेंगे कि जितनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए, देखो इसमें कोई मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं होता है, तो आपको दो नंबर जोड़, दो नंबर गुणा करने। देखिए आप क्या करो, जैसे मान लो आपको दो को चार से गुणा करना है, तो एम बी आई ए चार, एम बी आई बी जीरो दो, ठीक है। अब आप कुछ ही मत करो, चार दुनिया आठ आता है, तो चार को दो बार जोड़ दो, चार को दो बार जोड़ दो, ये कह रहा है, चार को दो बार जोड़ दो। तो आप क्या करो, जो ए की वैल्यू है उसको सी में ले जाओ, ले गए, और ए डी सी, ए डी सी मतलब कैरी के साथ सी को जोड़ दो, ठीक है, और डी सी आर बी कर दो, और जे एन जे लूप कर दो, और हॉल्ट कर दो, एस टी ए 3020 कर दो और हॉल्ट कर दो, और लूप कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। देखिए पहला नंबर जो था वो एक्यूमुलेटर में आ गया, दूसरा नंबर आपने किस में लिया, बी में ले लिया। अब बी आपका काउंटर का काम करेगा, दूसरा नंबर काउंटर का काम करेगा, ए आपका चार है। अब एक्यूमुलेटर अपने आप को उतनी बार जोड़ेगा जितनी बार काउंटर है। अब जोड़ने के लिए उसे क्या चाहिए, दूसरा नंबर भी चाहिए, तो उसी नंबर को आप सी में ले जाओ, उसी नंबर को सी में ले गए। अब आपने ए और सी को जोड़ दिया, तो ए और सी जुड़ गए, मतलब चार और चार जुड़ गए, नंबर खुद से जुड़ गया। फिर आपने काउंटर घटा दिया, काउंटर जीरो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई का प्रोग्राम। देखिए आप ए में चार, बी में दो, एक्यूमुलेटर में कितना आ गया, सी में भी चार आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो बी ए में आठ हो गया, ए में आठ हो गया, बी को डिक्रीज कर दिया, और जे एन जेड लू, ये चार थी बारह, बारह का आंसर आ गया। अगर आप बी की वैल्यू दो रखोगे तो चार थी बारह आएगा, बी की वैल्यू एक रखोगे, काउंटर की वैल्यू एक कम रखनी है, ध्यान रखना काउंटर की वैल्यू एक कम रखनी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है।